एमपी नॉर्थ मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पैदल गश्त कर महिलाओं, व्यापारियों व आम जन मानस को कराया सुरक्षा का एहसास। संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की ली गई तलाशी। गोरखपुर महानगर में नौसिखिए वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने कसा शिकंजा। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद की अगुवाई में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बगैर लाइसेंस वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहनों का किया गया चालान। गोरखपुर जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में स्थित दूसरे की जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बीएसएस कार्यालय में संविदा पर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए 40 प्रतिभागियों ने दिया कंप्यूटर टेस्ट। मेरिट के आधार पर होगा चयन, बीएसए रामेन्द्र सिंह ने दी जानकारी। जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने जनपद के अधिकारियों के साथ 4 फरवरी को लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर विकास भवन के सभागार में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक, का यूपी में जीतेंगे 80 के 80 सीट। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग एवं सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जनपद के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला के अहिल्या दरभंगा मंदिर से मुख्य पुजारी अवनिका किशोरी व रामेंद्र मिश्रा अयोध्या के लिए 400 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर पहुंचे। गोरखपुर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया भव्य स्वागत, कहा भगवान सभी के हैं अंदर, दंडवत यात्रा कर होली तक पहुंचेंगे अयोध्या, करेंगे भगवान राम के दर्शन। गोरखपुर जिले के आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों पर मनाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पिपरौली प्राथमिक विद्यालय से अभियान का किया शुभारंभ। गोरखपुर जिले के बांसगांव थाने की पुलिस टीम ने वांछित बदमाश प्रद्युम्न के खिलाफ 82 की कार्रवाई। पुलिस टीम द्वारा बदमाश के घर नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी के जरिए पड़ोसियों को किया सतर्क। लाउड हेलर के माध्यम से पुलिस टीम ने पड़ोसियों को बदमाश के करतूत की दी जानकारी।